बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज की उर्दू ऑनलाइन क्लास में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी उर्दू टीचर। आज हम अपने उर्दू वर्कबुक सफ़ा नंबर 16 और 17 पर छोटिये का सिलसिला करेंगे। प्यारे बच्चों, अपनी उर्दू वर्कबुक का सफ़ा नंबर 16 और 17 खोलें। बिस्मिल्लाह पढ़कर हम अपना काम शुरू करेंगे। आज हम छोटिये का सिलसिला करेंगे। इससे पहले हमने हरूफ की आदि अशकाल को अलिफ और वाओ के साथ मिलाया था। आज हम हरूफ की आदि अशकाल को छोटिये से मिलाना सीखेंगे। जिस तरह अलिफ और वाओ उर्दू ज़बान का वोवल है, इसी तरह छोटिये भी उर्दू ज़बान का वोवल है, यानी मसवता है। आइए अपना काम शुरू करते हैं। बे की आदि शक्ल को जब हम छोटिये से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बे छोटिये बी। बे की आदि शक्ल को हम पहले हवा में लिखेंगे, फिर उसके साथ छोटिये को मिला देंगे। इसी तरह पे छोटिये पी, ते छोटिये ती, टे छोटिये टी, से छोटिये सी। बे की फैमिली के बाद हम जीम की फैमिली की तरफ आ जाते हैं। जीम छोटिये जी, चे छोटिये ची, हे छोटिये ही, हे छोटिये ही। छोटिये के चार हर्फी अल्फाज पढ़ें और लिखें। जे अलिफ चा, बे छोटिये बी चाबी, काफ अलिफ का, पे छोटिये पी कापी, सीन वाव सो, जे छोटिये ची सोची, रे वाव रो, टे छोटिये टी रोटी, हे वाव हो, ते छोटिये ती होती। सफ़ा नंबर 16 के बाद 17 की तरफ आएं। अब हम दाल की फैमिली और रे की फैमिली के साथ छोटिये को मिलाएंगे। दाल की फैमिली के साथ हम मिला के नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा फासले पे लिखेंगे। दाल छोटिये दी, दाल छोटिये डी, दाल छोटिये जी, रे छोटिये री, अड़े छोटिये री, जे छोटिये जी, ये छोटिये यी। सीन छोटिये सी, शीन छोटिये शी, स्वाद छोटिये सी, ज्वाद छोटिये जी, तोय छोटिये ती, जोय छोटिये जी, आइन छोटिये ई, गाइन छोटिये ही। प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। आपने घर पे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।